दिल्ली वालों के लिए एक और राहत का दिन, दिल्ली वालों के लिए एक और उम्मीदों का दिन। साल की शुरुआत होते ही कोरोना नाम की महामारी जिस तरह बड़े संकट के तौर पर उभर रही थी, उसमें अब गिरावट दर्ज की जा रही है। इस पर मुहर लगा रहे हैं कोरोना के आज के आंकड़े। दिल्ली में 18 जनवरी को कोरोना के 11,684 नए मामले सामने आए। इस दौरान 38 लोगों की मौत हुई। फिलहाल दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 22.47% हो गई है। दिल्ली में जो केसेस हैं, कल 11,684 केसेस आए थे। पॉजिटिविटी थी 22%, 22.5%, 38 डेथ थी। अभी जो बेड ऑक्यूपेंसी है, 2730 बेड ऑक्यूपाइड हैं और लगभग 13,000 बेड अभी भी दिल्ली के अंदर कोविड के हमारे पास खाली हैं। और पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे कम हो रही है, जो 30% चली गई थी अब वो 22.5% के आसपास आ गई है। और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी दिल्ली में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले घटने की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो गई थी। दिल्ली में 13 जनवरी को 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, वो 16 जनवरी को 18,000 रह गए थे। वहीं आज ये आंकड़ा 11,000 के पार है। कोरोना के गिरते ग्राफ की वजह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये उम्मीद जताई है कि दिल्ली से कोरोना का पीक गुजर चुका है। साथ ही उन्होंने कोरोना की कम टेस्टिंग पर जताई जा रही चिंताओं को भी दूर किया। दिल्ली के अंदर ऐसा लगता है कि अब इसका पीक तो आ ही चुका है, डाउन होना स्टार्ट हुआ है। जितनी तेज़ी से बढ़ा था, हम आशा करते हैं उतनी ही तेज़ी से ही नीचे गिरे। और उतनी तेज़ी से नीचे गिरेगा तो सबसे पहला तो ये कि 2-3 दिन वेट कीजिएगा, देखते हैं कितनी तेज़ी से गिरता है। हमारे किसी भी टेस्टिंग सेंटर पर कोई भी आदमी टेस्ट कराने जाता है उसको मना नहीं किया जाता, सबका टेस्ट किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नियम हमने कोई नहीं बदले, केंद्र सरकार ने नियम को क्लैरिफाई किया है कि जिन लोगों को सिम्टम्स हैं उनका टेस्ट किया जाए और जो हाई रिस्क है उनका टेस्ट किया जाए। साथ साथ उन्होंने कल क्लैरिफिकेशन ये भी दिया कि कम्युनिटी के अंदर भी कुछ जगह पर पॉकेट्स में जाके चेक करें, वो भी हम कर रहे हैं। और टेस्टिंग का देखो, जब किसी को मना कर ही नहीं रहे, हमारे टेस्ट पिछले आप 6 महीने में देखिए 50,000 के आसपास चल रहे हैं, 50-60। कल भी 52 थे, आज 60,000 के करीब हैं। तो क्योंकि संडे को लॉकडाउन था, संडे था, थोड़ा कम होते हैं, उसके बाद थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो टेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है, किसी को मना नहीं किया जा रहा। दिल्ली में भले ही कोरोना के केस कम हो रहे हों, लेकिन देश में आज भारी उछाल देखने को मिला। बुधवार को देश में कोरोना के 2,80,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और इसी बढ़ते कोरोना के प्रकोप के चलते DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बड़ा ऐलान करते हुए भारत से आने जाने वाली शेड्यूल्ड अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानों को 18 फरवरी तक के लिए निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि जहां एक ओर दिल्ली और मुंबई जैसे राज्यों में कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है, वहीं देश में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में सावधानी बरतना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। INS रिपोर्ट।